हेलो दोस्तों, आपको स्वागत करता हूँ तोरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये एलजी कंपनी का एक चैसिस है और मैं अलग पिक्चर ट्यूब पर लगा के मैं टेस्ट करता हूँ। आप देख सकते हो ये जो फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम 10 मिनट में आपको रिपेयर करके देखाऊंगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग ये फॉल्ट है, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। और दोस्तों, ये चैसिस का रिमोट अभी मेरा पास नहीं है और इसका पैनल बॉटम भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए आपको वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ। तो चलिए, ये प्रॉब्लम को आपको रिपेयर करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, इस टाइप प्रॉब्लम बहुत कुछ पोजीशन से हो सकता है। तो फर्स्ट आपको जो देखना पड़ेगा 180 वोल्ट लाइन का जो वोल्टेज, ठीक है। कभी कभी इस तरह जो प्रॉब्लम ये 180 वोल्ट लाइन ड्रॉप होने का बाद भी हो सकता है, ठीक है। तो ये लाइन जो 180 वोल्ट लाइन का 191 वोल्ट, ये ओके है, ठीक है। और ये बेस बोर्ड पर जाता है कि नहीं, ये भी आपको एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, बेस बोर्ड पर इसका वोल्टेज भी मौजूद है 192 वोल्ट। तो दोस्तों, ये लाइन ओके है। तो दोस्तों, इसका बाद ये जो फॉल्ट और होता है, ये आपको देखूंगा जो एएफसी लाइन होता है, जो ईएसटी का एक पिन एएफसी पिन होता है वो लाइन से, ठीक है। तो तब भी उसका पहले इसका ईएसटी सप्लाई आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो ईएसटी सप्लाई अभी 107 वोल्ट है, ठीक है। तो ठीक है, तो इसका सभी वोल्टेज ओके देखा जाता है। तो चलिए, आपको जो देखना पड़ेगा, तो दोस्तों आपको अच्छा करके मैं दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ। अब देखिए, ये जो ईएसटी का लास्ट वाला पिन है, यहाँ पर आप लिखा देख सकते हो एएफसी ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट लगता है कि ईएसटी बहुत दिन पहले कुछ टेक्नीशियन चेंज किया है, तो ये पॉइंट लूज कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। मेनली यहाँ से जो वोल्टेज आउटपुट होता है, ये जो लाइन जाता है, ये लाइन आपको ट्रैक करके भी दिखाता हूँ। देखिए, ये पॉइंट पर आता है और बीच में एक रेजिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक एक पीएफ है, और ये जो लाइन जाता है, ये आईसी का अंदर चला गया, जो मेन प्रोसेसर आईसी है, ठीक है। तो कुछ भी ये लाइन का कुछ भी पार्ट्स फॉल्ट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, फर्स्ट ये जो लाइन है, थोड़ा मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ। उसका बाद ये लाइन को मैं चेक करूँगा, इसका लाइन, ये लाइन का वोल्टेज भी चेक करूँगा, ठीक है। और कितना वोल्ट यहाँ पर मिलता है, सब कुछ आपको देखूँगा। और दोस्तों, ये लाइन भी लूज कॉन्टैक्ट भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों, ये पीसीबी का एक रेनबो फॉल्ट था, वो वर्टिकल आईसी फॉल्ट था, वो रिपेयर करने के बाद ये फॉल्ट आ गया। तो लास्ट ये फॉल्ट को आपको दिखाता हूँ, ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये जो पॉइंट में सोल्डरिंग करने का समय, देखिए ये पॉइंट पर एक डायोड देखा जाता है, ये लूज लगता है। तो चलिए, ये डायोड को एक बार उल्टा करके भी देखना पड़ेगा। पीसीबी को मैं फ्रंट साइड आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। तो दोस्तों, ये जो पोजीशन है, आपको दिखाता हूँ, ट्वीजर लेके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, मेनली ये जो ईएसटी का एएफसी पिन से जो वोल्टेज आता है, देखिए फर्स्ट एक रेजिस्टेंस है और उसका बाद ये एक पीएफ है, और पीएफ का पास देखिए यह पोजीशन पर एक जेनर डायोड है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ये जेनर डायोड फट गया है, तो लगता है कि ये जेनर डायोड शॉर्ट था और सोल्डरिंग करने का समय ये फट गया। तो कोई बात नहीं, ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो सकता है, पीएफ भी ओपन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी पार्ट फॉल्ट हो सकता है। तो ये रेजिस्टेंस तो पूरा ही फट गया, तो ठीक है, ये रेजिस्टेंस को मैं आउट कर दिया। और इसी टाइम एक बार सप्लाई देके देखना पड़ेगा कि वो जेनर डायोड, सॉरी, वो जो जेनर डायोड शॉर्ट होने के बाद प्रॉब्लम होगा तो वो ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। मैं सप्लाई दे दिया, और स्क्रीन पर आप फॉलो कीजिए, मैं भी देख लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए, वो जो प्रॉब्लम पहले था वो रिमूव हो गया। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर ना है तो प्लीज़ ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। तो दोस्तों चलिए, उसका बाद आपको थोड़ा वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ कि ये लाइन पर कितना वोल्ट कहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो दोस्तों, फर्स्ट ये जो एएफसी पिन है ईएसटी का, ठीक है, ये पिन पर वोल्टेज देखिए। तो दोस्तों, ये पिन पर एसी वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसका अंदर ये लाइन पर कुछ भी सप्लाई लाइन डायरेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर, देखिए 12 वोल्ट के आसपास,
और ये जो रेजिस्टेंस का पहले 12 वोल्ट और वो 10 वोल्ट भी हो जाता है साथ साथ, ये देखिए 10 से 12 वोल्ट पे फैक्चुरेट होने लगता है। और ये जो पीएफ का पास इधर पोजीशन पर देखिए वोल्टेज, ये भी 10 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। और ये जेनर फाट गया, तो ये जो लाइन जाता है ये आईसी के अंदर चला गया, लेकिन वो जो डायोड फाट गया तो उसका वैल्यू क्या है, ये भी एक डाउट बात है। तो चलिए, एक्चुअली दोस्तों वो जो फीडबैक लाइन है वहाँ पर आप 5 वोल्ट जेनर लगा सकते हो, मैं 5.1 वोल्ट जेनर लगाता हूँ, आप 7 वोल्ट 8 वोल्ट कुछ भी वोल्ट लगा सकते हो, लेकिन थोड़ा लो वोल्टेज का जेनर लगाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि दोस्तों ये लाइन प्रोटेक्शन के ऊपर भी ये जेनर डायोड काम करता है, ठीक है। तो चलिए, ये मैं 5.1 वोल्ट का एक जेनर लगाया, और ये लगाने के बाद सोल्डरिंग करने के बाद आपको वोल्टेज एक बार चेक करके देखाऊंगा कि यहाँ पर कितना वोल्ट मिलता है और वो प्रॉब्लम दोबारा आता है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सोल्डरिंग कर लेता हूँ, ये 5.1 वोल्ट का एक जेनर लगाया। तो दोस्तों यहाँ पर आप 4148 डायोड भी लगा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, ये डायोड लगाने का बाद ये जो डायोड का टांग है एक्स्ट्रा, ये आप जरूर काटर से काट कर दीजिए। तो आपका पास काटर नहीं होगा तो इस तरह आप ये पिन को काट कर ये इस तरह आप आउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, उसका बाद आपको वोल्टेज चेक करके दिखाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि वोल्टेज चेक करना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये डायोड फट गया तो आसानी से इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन डायोड नहीं फटेगा और नहीं टूटेगा तो कुछ भी पार्ट्स आप कैसे ये चेक करेगा। तो आपको वोल्टेज चेक करके ही आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सा लाइन का कौन सा पार्ट्स का फॉल्ट है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अभी इस टाइम ये जिनार पॉजिटिव पिन पर कुछ भी वोल्टेज नहीं है, क्योंकि मैं एसी रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों इसका प्रॉब्लम अभी नहीं है, लेकिन वोल्टेज का ऊपर आप ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, मैं मीटर को एसी वोल्ट रेंज पर सिलेक्ट करके रखा है, सॉरी इसका नेगेटिव कॉर्ड आउट हो गया, तो ठीक है, मैं नेगेटिव कॉर्ड मैं पिक्चर ट्यूब पर नेगेटिव जो बॉडी है उसका सर मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोबारा मैं वोल्टेज चेक करके देख लेता हूँ। ये जो डायोड का पॉजिटिव साइड देखिए, यहाँ पर 1 वोल्ट का आसपास देखा जाता है, एसी 1 वोल्ट का आसपास, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये पोजीशन पर, ये पोजीशन पर पीएफ का एक पिन है और डायोड का पॉजिटिव साइड है, ठीक है, और डायोड का जो नेगेटिव साइड वो नेगेटिव का साथ कनेक्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों अब ध्यान दीजिए, और ये पीएफ का पहले जो ईएसटी से जो लाइन जाता है यहाँ पर देखिए 5 वोल्ट का 5.3 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं 5.1 वोल्ट का जेनर लगाया। और ये रेजिस्टेंस का पास देखिए पहले 12 वोल्ट का आसपास ये फिक्स्ड हो गया, पहले जो 10 वोल्ट हो गया था। तो दोस्तों ये ईएसटी का पिन पर वोल्टेज देखिए 12 वोल्ट है, ठीक है। दोस्तों अब ध्यान दीजिए, ये जो पीएफ जो रेजिस्टेंस का साथ कनेक्शन है, ठीक है, इसका जो डायोड पोजीशन पर वोल्टेज 1 है और ये रेजिस्टेंस का साइड देखिए 5.1 वोल्ट, क्योंकि मैं 5.1 वोल्ट का जेनर लगाया। आप 8 वोल्ट जेनर लगाएगा तो वहाँ पर 8 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मैं डीसी वोल्टेज चेक करके आपको दिखाता हूँ। तो डीसी वोल्ट यहाँ पर कितना मिलता है देखिए, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर देखिए, ये डायोड का पॉजिटिव पिन पर दोस्तों कुछ भी वोल्टेज नहीं देखा जाता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम अभी नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो चलिए, उसका बाद आपको 180 वोल्ट लाइन पर वोल्टेज दिखाता हूँ। देखिए 109 ही ओके है, और ईएसटी सप्लाई भी आपको इस टाइम दिखाता हूँ। देखिए 107 वोल्ट इसका ईएसटी सप्लाई है, और आपको क्या देखाऊंगा। तो ये तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो दोस्तों लास्ट में आपको जो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए ये जो चैसिस है, ये चैसिस का चैसिस नंबर क्या है, तो आपको क्लियर करके मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो एलजी का कुछ भी चैसिस हो सकता है ये फॉल्ट के लिए, और अलग अलग पीसीबी हो सकता है। आप देख सकते हो ये जो ईएसटी का नीचे एमसी